कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के कारण अब कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंटीग्रेटेड कोविड 19 कंट्रोल रूम में मरीजों के फोन आने का सिलसिला घटता जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब एक चौथाई ही फोन आ रहे हैं। इसके संबंध में ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि पहले की अपेक्षा अब लोगों का फोन आना कम हो गया है। पहले लोग ऑक्सीजन, मेडिकल किट सहित अन्य चीज़ों के लिए फ़ोन करते थे, लेकिन अब फ़ोन वैक्सीनेशन को लेकर आ रहा है कि वैक्सीनेशन कहां कराया जाए और किस तरह से वैक्सीनेशन हो सकता है। फिलहाल जनपद में कोरोना संक्रमण का रफ्तार कम हो गया है और लोग सावधानी के साथ अपने कार्यों में लग रहे हैं, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। बताइए कि जो पहले फ़ोन आते थे या जानकारी लोग लेते थे, अब कितना कमी आया है इसमें? इसमें जो है अब कॉल जो है बहुत कम आती है। अब वैक्सीनेटेड से संबंधित कॉल आती है, वैक्सीन के संबंध में, बाकी एडमिट के लिए तो कोई विशेष कॉल नहीं आती। तो आयुष की दवा के बारे में जानकारी मिलती थी यहाँ से? हाँ, आयुष के बारे में दवा की जानकारी मिलती थी। कितना कॉल अब कम हो गया पहले से? पहले जो कॉल आते थे बहुत कम हो गए। तब भी बहुत कम हो गए हैं कोविड से, तो मतलब दो चार ही कॉल आते हैं जिनको अपनी परेशानी होती है। वो 90% तो यहाँ से कॉल चले ही जाता है, 100% कॉल हो जा रहा है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, फिर डॉक्टर उनको बताते हैं, होम आइसोलेशन में जो लोग चले जाते हैं उनको बताते हैं कि कैसे दवा खानी है, क्या करनी है। दवा नहीं मिली रहती है तो आरडी टीम को तुरंत बता दिया जाता है, आरडी टीम जाके उनके घर पर विजिट करके उनको दवा दे देती है। काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी कोविड कंट्रोल में है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले होम आइसोलेशन के मरीज मेडिकल किट या इस तरह की जानकारी या ऑक्सीजन के लिए परेशान होते थे, तो क्या अभी ऐसे हालात हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो हर जगह सब कुछ उपलब्ध है, सही तरीके से चल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, लोग पहले की तरह मदद की जाए। अभी आ रहे हैं वैक्सीनेशन से संबंधित, इसलिए कंट्रोल रूम यथावत काम कर रहा है, और पोस्ट कोविड कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वो मरीजों को प्रॉपर सलाह दे रहे हैं, और वैक्सीनेशन किस सेंटर पे कहाँ पे हो रहा है ये सब जानकारियां अभी कंट्रोल रूम से चल रही हैं। सर, जो पहले ऑक्सीजन को लेकर के बेड को लेकर इस तरह के फ़ोन आते थे, उसमें कितनी अंतर आया है, कमी आया है? उसमें काफ़ी मात्रा में कमी आई है, और इस समय इस तरह के फ़ोन बहुत कम आते हैं।